बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एमडी कैट न्यूक्लियर फिजिक्स लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले मैं आपके सामने एक मास इफेक्ट फॉर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम यूज 0.030 एएम। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? देखिए, आपने सेकेंड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ा है कि 1 AMU इक्वल होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में गिवन कितने हैं? 0.030 AM। तो इसको 931 से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेट, 28 ही लगता है। अब आपको पता है कि हीलियम के न्यूक्लियस की बात हो रही है। हीलियम के न्यूक्लियस में टोटल चार चीजें हैं, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन। तो 28 को 4 पे डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 60 मिनट्स। हमारे पास एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, उसकी हाफ लाइफ 60 मिनट्स है ड्यूरिंग 3 आवर्स। द फ्रैक्शन ऑफ एटम दैट वुड हैव डिकेड टू। तो ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ये आप करेक्ट कर सकते हैं एटम्स को। तो आंसर 12.5% है। देखें, जब भी एटम्स की फ्रैक्शन निकालनी पड़ती है, डिकेड एटम्स की फ्रैक्शन, तो उसका मेरे दोस्तों तरीका होता है 1/2। ये हम 1/2 होल पावर एन लिखा है, 3 आर्स लिखा है, एन की जगह 3 आर। तो 1/2 होल की पावर 3, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा पावर 3 है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो और फिर उसको उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12.5। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इस बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब ये जो पीछे 2 MCQs हैं, उसके बाद मैंने ये जरूरत महसूस की कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब भी हाफ लाइफ का अनडिकेड एटम्स का क्वेश्चन आ जाए, उसका क्या फार्मूला होता है, वो डिकेड एटम्स का क्या होता है, और इस तरह का अगर ये आपने फार्मूला याद कर लिया तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाफ लाइफ के अनडिकेड एटम्स का फार्मूला है n इज इक्वल टू 1/2 की पावर n इनटू n नॉट, यानी n नॉट ही इस सारे से मल्टीप्लाई। n नॉट का मतलब होता है इनिशियल एटम, शुरू में जितने एटम्स। फॉर डिकेड एटम्स n इज इक्वल टू n नॉट माइनस n, ये n नो नहीं है, ये n नॉट, n नॉट नीचे लिखेंगे, ये जो n लिखा है n की वैल्यू 1/2 की पावर n इनटू n नॉट, इस जगह पुट करेंगे n नॉट कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 - 1/2 की पावर n। अब मेरे दोस्तों, मैं आपको जो टेबल समझाना चाह रहा हूँ, अगर ये टेबल आपको समझ आ गया तो फिर इंशाल्लाह हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपका गलत। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है आपको, वो क्या है कि जब हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए, आपने उसके अंदर पढ़ना है कहीं डिकेड तो नहीं लिखा हुआ या कहीं अनडिकेड तो नहीं लिखा हुआ या कहीं लेफ्ट तो नहीं लिखा हुआ, इन चीजों का खास क्या है। अगर उस पॉइंट को आप अंडरस्टैंड कर गए, फिर इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेरे सामने मैंने एक टेबल ड्रॉ किया इधर, आप ये टेबल याद कर ले, किस तरह फिंगर टिप्स पे कर ले, इंशाल्लाह आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। और आप अगर आपको ये टेबल याद हो गया, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मसलन कैसे, पहले खाने में लिखा है हाफ लाइफ, दूसरे में है अनडिकेड सैंपल, तीसरे में डिकेड सैंपल, चौथे में परसेंटेज लेफ्ट, पांचवे में परसेंटेज डिक्रीज। क्या यार, आप लोग ना एक दुकान से मिठाई लेके आते हैं, फर्ज करें रसगुल्ले लाते हैं, उसमें 100 रसगुल्ले, अभी वो आए हैं रसगुल्ले 100 है, थोड़ी देर बाद आपका एक दोस्त आता है उसमें फिर 10 खा गए, कितने रह जाएंगे? 90 रह जाएंगे। तो इसका मतलब है जो डिकेड हैं वो 10 हैं, जो अनडिकेड हैं वो 90। रख ले पॉइंट क्लियर, इंडिकेट 10 और अनडिकेट 9, ये बात आपने याद।
चले, अब आपका एक दोस्त है वो 100 रसगुल्ले लेके आए, फर्ज करें वो जो 100 रसगुल्ले हैं वैसे ही पड़े हैं, तो इसका मतलब 0 हाफ लाइफ और रसगुल्लों की तादाद को एन नॉट। डिकेड सैंपल, किसी ने कुछ खाया ही नहीं तो 0 डिकेड, परसेंटेज लेफ्ट 100% बचे पड़े हैं, क्योंकि कुछ किसी ने खाया ही नहीं तो लेफ्ट 100% ही होने हैं, 100 के 100 रसगुल्ले। परसेंटेज डिक्रीज, किसी ने कुछ खाया ही तो 0% डिक्रीज हो। ये तो हो गया पहला हिस्सा। अब दूसरे हिस्से पे चलते हैं। हाफ लाइफ फर्स्ट, पहली हाफ लाइफ का मतलब है कि 100 रसगुल्लों में से आधे रसगुल्ले गायब होने चाहिए, तो इसका मतलब है टोटल रसगुल्ले एन नॉट थे, आपने आधे गायब करने हैं तो एन नॉट को 2 पे डिवाइड करो, आधे गायब हो गए। जब आधे गायब होंगे इसका मतलब डिकेड कितने एन नॉट बाई 2, तो जो बचेंगे अनडिकेड वो भी एन नॉट बाई 2, क्योंकि 100 थे ना, 50 खा लिए तो 50 बच गए, इसका मतलब डिकेड 50 और अनडिकेड भी 50, तो परसेंटेज लेफ्ट जो बचे वो भी 50%, जो कम हुए जो खाएंगे वो भी 50%, ये 4 खाने पूरे हो। इसका मतलब है हमारे पास एक चीज के अंदर एटम्स की तादाद एन नॉट है, पहली हाफ लाइफ के बाद आधी कम हो जाती है, डिके हो जाती है तो वो एन नॉट बाई 2 हो जाती है, और जो अनडिके होती है वो भी एन नॉट बाई 2 है, आधी आधी रह गई 50-50। तीसरे खाने में आज सेकंड हाफ लाइफ के बाद क्या होगा मेरे दोस्तों, मैं आपको एक आसान सा फार्मूला बता दू, ये सबसे आखिर पर फॉर एन डिके, ये मैंने लिखा फार्मूला है एन इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन इन टू एन, ये फार्मूला आपने जुबानी याद कर। अब बात कर रहा हूं मैं सेकंड हाफ लाइफ, और है ये किसके लिए, अनडिकेड, ये सेकंड हाफ लाइफ की। आप ऐसा करें, ये जो 2 की पावर n है ना, ये जो 2 की पावर n है इसकी जगह आप 2 लिखेंगे, क्योंकि सेकंड हाफ लाइफ, जब 2 की पावर n की जगह 2 लिखेंगे तो 2 × 4, तो ये बच जाएगा 1/4, और ये साथ क्या आएगा n नॉट, तो हम इसे n नॉट ओवर 4 भी लिख सकते हैं, और ये मैंने n नॉट ओवर 4 अनडिकेड सम रख लिया। आपको ये क्लियर हो गया, यानी सबसे आखिरी जो फार्मूला है, सबसे आखिरी लाइन लिखी है 1/2 की पावर n, n की जगह आपने 2 पुट किया क्योंकि सेकंड हाफ लाइफ है, तो n की जगह जब 2 पुट करेंगे तो 2 × 4, तो 1/4 इनटू n नॉट आ जाएगा इसका। अब अगले खाने में डिकेड सम, डिकेड सैंपल को निकालने का ये फार्मूला, ये 3 n0/4 कैसे आया मैं बताता हूँ, ये फार्मूला है 1 − 1/2 की पावर n × n0, ये आपने जुबान दिया वो कैसे, उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। थर्ड हाफ लाइफ है ना ये, और निकालना सॉरी सेकंड हाफ लाइफ है ना, निकालना किसके लिए, डिकेड के लिए, और आंसर क्या आता है 3 n0/4, ये अगली स्लाइड। सेकेंड हाफ ये 1 − 2 की पावर n है ना, तो आप n की जगह 2, तो 1 − 1/2 की पावर 2, 2 × 2 का मतलब होता है 2 × 4, तो 1 − 1/4 इंटू एन नॉट, तो यहाँ से आप आंसर निकालेंगे वो आएगा 3 n नॉट। एक तो ये तरीका है जो मैंने आपसे शेयर कर, कि जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 n0/4, और इसका एक और तरीका है वो क्या है, ये जो n0/4 लिखा हुआ है n0 में से भी सेकंड हाफ लाइफ ये लिखा हुआ है n0/4, तो मेरे दोस्त को आप ऐसा करो कि सबसे ऊपर n और n नॉट में से n0/4 माइनस करो 3 n0/4 है, लिख रहा है ये पॉइंट, जो 3 n0/4 आएगा। अब आगे क्या लिखा है, परसेंटेज लेफ्ट, ये
यानी परसेंटेज कितनी बच गई हमारे, डिकेड सैंपल तो 3 n0/4 है ना, एंड डिकेड n0/4 था तो 1/4, तो 1/4 का मतलब होता है कितना, 25%, तो 25% और 3 को 4 पे डिवाइड करो 75 आंसर आता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या है, 75%, तो ये हो जाएगा परसेंटेज डिक्रीज, यानी जो डिके हो गई वो 75%। फिर दोबारा सुन, हमारे पास है सेकंड हाफ लाइफ, मैं थर्ड पे चले प्रैक्टिस करवाता हूँ, थर्ड हाफ लाइफ पे सबसे आखिरी फार्मूला देखिए, 2 की पावर 3 लिखे, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 1/8 × n, इसको लिख सकते हैं n0/8, तो यहाँ पे n0/8 लिखते, लिख दिया आपने n0/8, यानी 3 की पावर 12 आई ना, तो उसकी जगह आपने लिख दिया n0/8। अब ये जो ऊपर n0 लिखा है, इसमें से ये n0/8 − 7, क्योंकि ये अन ये बचा है ना, टोटल एन नॉट थे जो अनडिकेड है, वो n0/8 है, वो माइनस करें जो बाकी, तो आप माइनस करके देखें आंसर आएगा 7 n0/8। अब ये अनडिकेड सैंपल यानी जो बच गया, ये परसेंटेज लेफ्ट, अब उसकी परसेंटेज निकाल दी, ये मैं भी थर्ड ऑफ लाइफ एन की जगह 3 पुट करें 1/8 आ जाएगा इनटू एन नॉट, ये 8 नीचे लिखा है, 8 1 8 − 1, 8 में से बन गया 7 n0 दोस्तों। जो थर्ड ऑफ लाइफ है उसमें डिटेल, यानी या तो आप पहले में से ये माइनस कर दिया, ये फार्मूला लगाया डायरेक्टली से आ रही है, ये डिकेड का फार्मूला। मैं आपकी अभी प्रैक्टिस करवाता हूँ फोर्थ हाफ लाइफ लिखा है, n0/16 लिखा है, ये कैसे आ रहा है, सबसे आखिरी फार्मूला 1/2 n, n की जगह 4 पुट करें 1/16 × n0, तो इसको n0/16 कर सकते हैं। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई अनडिकेड सैंपल, वो क्या आ गई n0/16। अब ये फार्मूला जो सबसे ऊपर अभी 4 है, 1 − 1/2 n × n0, n की जगह 4 पुट करो 1 − 1/2 4, 2 1/2 4 16 होता, 16 LCM आ गया, 16 1 से मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस 1 इंटू एन नॉट, ये कितना बचेगा 15/16 है। तो आपने देख लिया ये हमारे पास आ गया 15/16 n नॉट, यदि इसका मतलब है ये डिकेड सैंपल हो गया। अब 1/16 यानी 1/16 लो, फिर 100 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 6.2, फिर 15/16 को मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा 93.7। अब इन दोनों को प्लस करो 93.7 है, इसको टोटल आंसर 100% आता है, 100% आता है। अब आगे की फिफ्थ हाफ लाइफ 5, इस सबसे आखिरी फार्मूला 2 की पावर n, n की जगह 5 पुट करो 2 × 4, तो n की जगह जब आप 5 पुट करेंगे तो ये आपका 32 आ गया n0/32, यानी फिर जो वही काम पांचवी हाफ लाइफ अगले सफे पे आ जाए, ये जो n लिखा है इसकी जगह 5 2 की पावर 5 हो जाए, फिर इसी तरीके से इसको सॉल्व करो तो मेरे दोस्तों ये आंसर आता है 31 n0/32। इस तरह हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, 31 n0/32
32 कैसे आ गया? फिर परसेंटेज लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब है जो डिके नहीं हुआ, अनडिकेड यानी कितना है, एन नॉट ओवर 32 जो डिके नहीं हुआ। करें फिर 1 को 32 पे डिवाइड करें, कर दिया उसको 100 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 3। फिर इस 31 को 32 पे डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई, 36%। इस तरह मेरे दोस्तों इसको याद करने का एक और बड़ा शॉर्टकट है, वो क्या है, ये इधर नीचे 2 लिखा है, n नॉट है, 2 से कम 1 होता है, नीचे 4 लिखा है, 4 से कम 3 होता है, इधर ऊपर नीचे लिखा है, 8 से कम 7 होता है, ऊपर 7, नीचे 16 लिखा है, 16 से कम 15 होता है, इधर ऊपर 15, नीचे वही है, नीचे 32 लिखा है, 32 से कम 31 होता है, 31 आ, इधर 64 लिखा है, 64 से कम 64। तो इस तरीके से हम ये टेबल सॉल्व करेंगे। अब आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई पॉइंट अंडरस्टैंड ना हो तो आप कहीं भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मैं आपको ये व्हाट्सएप भी कर दूंगा। इसके अलावा आप इधर यूट्यूब पर भी नीचे क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और आप ये टेबल जुबानी याद करें, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इससे अगले लेक्चर में हम इनके एमसीक्यूज के प्रैक्टिस करेंगे।